ये तो रोड पे आ गए भाई घोड़े तो। भाई साहब इस सड़क के नीचे तो घोड़े खड़े भाई, बहुत सारे घोड़े हैं, एक नहीं ताके पास 300 घोड़े हैं। 300 घोड़े मैं दिखाने के लिए आया हूँ आपको। अब हम इस तरफ जा रहे हैं बीहड़ में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक जबरदस्त नई जर्नी शुरू होने वाली है अल्माटी कजाकिस्तान से 750 किलोमीटर दूर एक अननोन जगह, जिसका मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा। एक बंदा मुझे ट्रेन में मिला था, ट्रेन में मेरे साथ सफ़र किया, और उसने बाद में बोला, अभी मुझे बोला कि मेरे घर पे आओ उधर, और मेरे पास काफ़ी सारे घोड़े वगैरह है तो आप देख सकते हैं। तो शायद कुछ ऐसी अननोन जगह है वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त सीन देखने को मिल सकता है, हम चलेंगे वहाँ पे। तो मैंने इसके लिए बस बुक कर दिया है। उस गाँव का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा कि वो गाँव का नाम भी क्या है, बुरझुलक ऐसा कुछ गाँव है, चाइना बॉर्डर के ठीक क्लोज में है। उस तरफ जो चाइना का मंगोल उसके क्षेत्र के आसपास। तो चलते हैं, देखो क्या देखने को मिलता है। अभी अननोन जगह है तो है, एक बार रिस्क तो लेनी पड़ेगी तभी हम वहाँ कुछ नया दिखा पाएंगे। बाकी तो अब शहर तो हर कोई बंदा घूम लेता है। तो चलते हैं बस टर्मिनल अल्माटी, और वहाँ से चलते हैं हम सीधा वहाँ पे। ये कोई 10-12-13 घंटे की जर्नी हो सकती है, नो आइडिया, क्योंकि हर चीज़ अभी सस्पेंस है, कुछ पता नहीं है हर चीज़ के बारे में। तो चलें राजू भाई, हमारा अड्डा यहीं बनता है आके राजू भाई के पास। हैप्पी जर्नी भाई साहब। तो फाइनली हम लोग टर्मिनल पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे बसें पड़ी हुई है कुछ। इधर अंदर जाना पड़ेगा टर्मिनल के, इधर पीछे एक पार्किंग एरिया है, अपने जैसे ही देसी काम काज है। ताशकंद बिशेक और ऐसा कुछ नाम लिखा है, अपने को पढ़ना तो नहीं आएगा। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बस भी कैसी होगी। अभी 7 बजे हैं तो 8 बजे हमारी बस होगी। तो भाई बस टर्मिनल पे आ चुके हैं, बस बहुत ज़बरदस्त लग्जरी है, और हमारी बस अभी तक आई नहीं है। मैं आपको ये थोड़ी बसें दिखा देता हूँ आगे से कैसी दिखती है और अंदर से कैसी दिखती है। ऐसा टर्मिनल बना हुआ है यहाँ पे, और हमारी बसें यहाँ पे आके खड़ी रहती हैं। यहाँ से किर्गिस्तान जाती है, यहाँ से उज्बेकिस्तान जाती है ताशकंद। डब्बल डेकर बसें हैं ताशकंद। तो ये वाली हमारी बस है भाई, छरबुलक कुछ ऐसी दिखती है, इतनी कंफर्टेबल तो नहीं। तो भाई फिलहाल पहुंच गए उर्जर, और बस में मेरा साथ दिया इन्होंने, अंकल जी ने। मेरे को भाषा नहीं आ रही है तो ये फ़ोन पे इनसे बात कर रहे थे, और ये मुझे लेने के लिए आ गए हैं। इनको शायद आप जानते होंगे, पहले मेरे साथ में थे एक ट्रेन जर्नी में, और आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इनके गांव में मैं पहुँच गया हूँ। बस की जर्नी के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। थैंक यू सर। ओके बाय। बस की जर्नी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हॉरिफिक थी। ओके ब्रदर, थैंक यू माय फ्रेंड। क्या तो बस तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब काम था, बस में एसी नहीं थी और पूरा बंद हो जाता था, कभी कभी ऊपर का ढक्कन खोलना पड़ता है कभी। हेलो, हाउ आर यू। ये पूरे फैमिली गाड़ी लेके साथ में लेने आ गए, और इनका घर कितना दूर है पता नहीं, अभी भाषा भी नहीं आ रही है। ब्रदर यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश छुछू इंग्लिश? ओके ओके गुड। माय नेम इज ओके ओके थैंक यू। तो भाई जो सस्पेंस था वो ख़त्म हो गया। हमारे दोस्त ने पूरी बेहतरीन दोस्ती निभाई है कि गाड़ी लेके मुझे लगता है करीबन 80-90 किलोमीटर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, इतना दूर तक मुझे लेने के लिए आ गए। और ये कोई गांव 850 किलोमीटर दूर है अल्माटी से, एक अनजान जगह चाइना बॉर्डर के पास। तो वहाँ पर मैं आ गया था एक बस के द्वारा। बस तो भाई हॉरिफिक थी, बस में तो मज़ा नहीं आया, लेकिन भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा ये इनसे। और दूसरी बात,
भाई यहाँ पे बीच बीच में जो बस स्टेशन थे ना वहाँ पे खतरनाक टॉयलेट थे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि लोगों के सामने नंगा होना पड़ रहा था, लोगों को ऐसे ऐसे बाथरूम बना रखे हैं। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ तक दोस्त ने मेरे लिए नाश्ता मंगा लिया है। देखो कुछ सलाद हैं, ब्रेड, चाय, और ये दोस्त का लड़का और दोस्त दोनों बाप बेटे, और ये इनका पड़ोसी छोटा सा बच्चा। हर जगह बच्चे मिल जाते तो मुझे काफी अच्छा लगता है। फिर वो छुपा, ये बहुत रिस्पेक्ट करता है भाई, ये तो यहाँ बैठ भी नहीं रहा था, मैंने बोला इधर बैठ। थैंक यू, प्रीवियम, नमस्ते, 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 थैंक यू। भाई साहब, अर्दाक भाई ने हमारे लिए चाय मंगाया दूध वाली, सलाद, करतुस्का, क्रीम, ब्रेड और जूस, सारी चीज़ मंगा ली, मतलब सब वेजिटेरियन। और मज़े की बात तो क्या है, अर्दा के पास 300 घोड़े हैं, 300 घोड़े मैं दिखाने के लिए आया हूँ आपको। घोड़ियों का दूध भी पीते हैं ये लोग, घोड़ी है यार, पहले जब नहीं मानते थे, इसको साबित करने के लिए मैं इनके घर पर आया हूँ और इनके घर जाऊँगा अभी। 300 घोड़े हैं इनके पास, हम चराने भी जाएंगे, सब कुछ आगे वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ आयदाना भी आ गई हैं, इसकी मॉम है मोनिस, मनास की मॉम है, मनास की मॉम है, और आयजा और इसके पापा हैं। पापा से हाँ, आयजा पापा, हाँ ओके। तो अभी हम यहाँ से चाय वाय सब फिनिश करके आगे चलते हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, ना तो इनको भाषा आ रही ना मुझे भाषा आ रही, बस ट्रांसलेट के जरिए गाड़ी चल रही है, तो चलते हैं फिर आगे। कमेंट कर दीजिए अर्दा के लिए एक बढ़िया सा, ये टिकटॉक पे फेमस है, टिकटॉक स्टार है। तो यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, ये एक फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट था, और गाड़ी उधर पार्क कर रखा हमने कार। अभी हम यहाँ से नीचे जाते हैं, एक लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई है, और ये गांव है, सामने पहाड़ दिख रहा है। कार देर, हाँ, और ये एक छोटा सा शहर है, वो इसका नाम है उर्जर, उर्जर, उर्जर रायन, रायन उर्जर सिटी, उर्जर सिटी, और अलमाटी से कोई 14 घंटे की बस पे यहाँ पे आते हैं उर्जर। चलो दवा दवा, सावधान। इधर ये देखो भाई, गाड़ियाँ मस्त देखने को मिली, दिस कार इज गुड, निबा कजाकिस्तान, निबा कजाकिस्तान, ना जीमा, जीमा सीरीज बजाया था, BMW ओल्ड मॉडल है भाई, BMW देखो, BMW। शहर चाहे कोई भी हो, हर छोटे शहर में भी इन्होंने बगीचा तो लगाने की कोशिश की है। किसी भी शहर में जाओ आपको छोटे छोटे बगीचे दिख जाएंगे, गार्डन, दे दे दे, दवा 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 दवा, स्टॉप। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि इधर तक कोई इंडियन कभी आया ही नहीं होगा, और कभी किसी ने आने का सोचा भी नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं होती। आज मुझे खुद डरा दिया, एक बस में एक बंदा और था, वो बोला कि आप जो झरबुलक गाँव जा रहे हो ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल है और बहुत ज़्यादा लूटपाट होती है, ऐसा मेरे को एक बंदे ने बोला। तो मैं खुद घबरा गया, मैं बोला अभी पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये लो हमारी कार आ गई भाई, बहुत बड़ी एक SUV कार है, और पुरानी कार है भाई, लेकिन ठीक है। और ये है कजाक बातेर, बातेर काबंबाई बातेर, बहुत पुराने, 1692 से 1770 तक, और इनके हाथ में भाला देखो भाई, महाराणा प्रताप की तरह, ये भी एक कोई फाइटर थे, उन्हीं की तरह लग रहे, काफ़ी हट्टे कट्टे मजबूत एक पत्थर से बनाई गई है। और ये भी भाई अपने वहाँ होता है वैसे, गाँव में एक तहसील लेवल पे एक हॉस्पिटल है, और बहुत सारे लोग दूर दूर गाँव से इधर आते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, इतनी भीड़ भी नहीं है, और कुछ इंजेक्शन वगैरह इसको लगवाना था तो 2 मिनट में लगवा के आ गए वापस। और ये एक घंटी है घोड़े के, यहाँ वो बांधते हैं वो वाली घंटी है, देखो गाय के या घोड़े के, तो इनकी लाइफ पूरी समझने की कोशिश करो भाई, यहाँ की लाइफ कैसी है।
भाई आपको मैं बता रहा था कि वो बाथरूम वाला सीन, बस में आते आते 10 रुपया देने का, 50 टेंगे देने का और लोगों के सामने नंगे होने का, मतलब बाथरूम की हाइट इतनी इतनी बस, और आप खड़े होते तो आधा नंगा दिखते हैं सबके सामने। यार ऐसा ऐसा सीन देखने को मिला बाथरूम में, मतलब क्या बताऊँ। देखो अभी मैं थोड़ा सीन दिखाता हूँ यहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। एक गांव है फिर भी ढाबा बॉडी कार है, देखो पुरानी। ये लोगों के पास पुरानी कार है सब लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फ्री के भाव चलते हैं। बस से भी सस्ता ऐसा बहुत होता है भाई, एक बंदे के पास 300 घोड़े तो समझ लो एक घोड़े की कीमत 1 लाख समझोगे तो कितना होगा, 3 करोड़ तो ऐसे ही होगी। तो ज़मीन जायदाद तो कोई लिमिट ही नहीं है। लो भाई अब हम पहुँच गए एक मार्केट में और यहाँ पर मिलते हैं बुरके, खिलौने, साइकिल। आईदाना हमारे साथ हैं, सुलपक, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। जैसा हम करते हैं वैसा भी ये भी लोग करते हैं, दुकान में जाएंगे कुछ देर तक सामान देखेंगे, एसी की हवा खाएंगे और फिर बोलेंगे ठीक है बाद में आते हैं। तो ऐसा भी इन्होंने भी किया, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको पूरा कल्चर समझाता हूँ कि हमारे में और इसमें इनमें कोई फ़र्क है या वही का वही है, सेम है। अब ये जाएंगे बाल कटवाने, ये यहाँ की लोकल मार्केट है, सब्जी मार्केट, छोटी छोटी दुकानें और व्यापार करती महिलाएं, सीधा हिसाब है महिलाओं को वह काम काज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सिम कार्ड, ये नॉन नॉन नॉन, अभी मैं यहाँ पे आया था दुकान पे, भाई साहब से मिला था तो फोटो खिंचवाए, आनंदी सीरियल और मिथुन चक्रवर्ती की भी बात कर रहे तो अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। अच्छा मिथुन बाय 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 बाय, चलो ठीक है। मी ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर था, क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है भाई। अभी हम हरदा के गांव में जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, यहाँ से कोई 70 किलोमीटर के आसपास चाइना बॉर्डर की तरफ, और उस तरफ से सामने से चाइना के बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक इधर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो रास्ते में घोड़े दिखाई दे रहे हैं और 3-4 घंटे हम मार्केट में इधर उधर घूमते रहे, 20-30 हज़ार का खर्चा बस कर दिया कोई 2-3 घंटे में ऐसे ही। तो ये लोग काफ़ी लाइफ स्टाइल जीते हैं भाई, खर्चा बहुत करते हैं और मौज करते, पता नहीं इनकम का सोर्स मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं जिधर भी गया मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग पैसा काफ़ी खर्चा करते हैं। ये 1000-2000 तो ये बच्चे ने ऐसे ही घूमते घूमते कर दिया होगा, और बड़े वाले ने एक फ़ोन ले लिया 15-20 हज़ार का, फिर कुछ सामान वगैरह मिला मिला के 20-25-30 हज़ार का खर्चा कर दिया होगा। तो अभी हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ, लेक आलाकोल इसके बगल में है और सीधा सीधा हाईवे जाता है ये, सीधा चाइना बॉर्डर कोई 100 किलोमीटर के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं, देख लीजिए लास्ट बहुत दूर दराज में भी हाईवे कैसा खूबसूरत दिखता है।
अर्धक गाड़ी चला रहे हैं। ये अर्धक का लड़का है और ये छोटे वाले का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैटर है। इसकी मम्मा ये है ऐदाना। तो अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको बहुत एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल वीडियो आगे देखने को मिलेगा। गाड़ी पुरानी दिखती है, 100 के आसपास आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं। रशिया का एयर स्पेस बंद है, यूरोप की फ़्लाइटें नहीं जाती, तो ये सब कजाकिस्तान के ऊपर से जाती है। देखो यहाँ से बार बार फ्लाइट आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगी आपको। हर 10 मिनट में एक फ्लाइट इधर से आ रही है, जा नहीं रही, आ रही है। तो मतलब ये रशिया बाजू में है तो चाइना की ओर जा रही है, तो वो यहाँ से एयर स्पेस यूज़ करते हैं कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान में वही सिस्टम है, दूर तक फैले हुए खेत, कोई आदमी इंसान नज़र नहीं आएगा, और सामने दिखेंगे आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ये है इधर की लाइफ स्टाइल, ये यहाँ का क्षेत्रफल है, लोग नहीं हैं, लेकिन जो लैंडस्केप है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया है लेकिन लोग नहीं हैं। ये देखो चाइना से नए नए ट्रक आ रहे हैं। इसका नाम है माकानसी, माकानसी के बाद आएगा झुरबुलक और सीधा जाओगे तो चाइना बॉर्डर। तो देख लो इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ धूप है और गर्मी है, पेड़ तो काफ़ी हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे तो गर्मी वही है बहुत ज़्यादा। भाई सड़क के किनारे पे एक जगह पे ज़मीन में से पानी आ रहा है और ये पीने लायक पानी है, तो हम भी पानी इसको पी लेते हैं। यहाँ पे घोड़े वगैरह आके पीते होंगे। मैंने गाड़ी वहाँ रखी है, पानी कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं आइडिया। ये देखो पानी इधर से आ रहा है ज़मीन के अंदर से। पानी बोतल लेने नहीं दिया भाई, ये भाई यहाँ ला के पानी पिला रहे देखो मेरे को। और पानी बहुत ठंडा है भाई और एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है। अर्धक पानी धरती में से पानी आ रहा है भाई, देखो इधर से, देखो इधर से पता चलेगा आपको, इधर से आ रहा है, ये होल है। भाई साहब इस सड़क के नीचे तो घोड़े खड़े हैं भाई, बहुत सारे घोड़े हैं, एक नहीं, कम ऑन। ये घोड़े छाया देखो अंदर गुफा में खड़े भाई, पुल के नीचे खड़े, किसी को पता ही नहीं चलेगा इस। वो छोटा बच्चा भी है भाई, इधर भी है देखो, इधर भी है, बड़े बड़े मोटे ताजे घोड़े भाई। हाँ नियत, अच्छा ये इस गांव के कोई दूसरे होंगे, उनका घोड़ा है ये। ये घोड़े डरते नहीं है भाई, बिल्कुल डरते नहीं है, फ्रेंडली है, क्योंकि इनके मालिक होते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये घोड़े इधर पानी पीते हैं, इसके नीचे खड़े रहते हैं। ये देखो ये तो रोड पे आ गए भाई घोड़े तो। कोई डरते भी नहीं, बिल्कुल जीरो। और इस रेगिस्तान में भाई छोटे से दो घर दिखे हैं और बस कोई पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है,
चारों तरफ आपको दूर तक फैले हुए पहाड़ दिखेंगे बस। यहाँ रास्ते में पुलिस खड़ी है, देखो भाई चेकिंग के लिए, स्पीड में जाने वालों के लिए पकड़ेगी। काफ़ी घंटों, क्या कई महीनों से सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे झरबुलाक, और सामने आपको दिखेंगे माउंटेन जिन पे बहुत सारा बर्फ़ आपको दिखेगा। अब मेरे पास गूगल मैप नहीं है, दूसरा फ़ोन बंद हो गया है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता लेकिन अब क्या करें, इंटरनेट के अभाव के कारण मैं कुछ बता नहीं सकता। बस अब हम झरबुलाक पहुंच गए हैं और यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। तो कल रात को 8 बजे निकले थे, अभी दिन के 4:30 बजे दूसरे दिन का। तो ये है कुछ गांव के नज़ारे झरबुलाक, और यहाँ पे आपको घोड़े गाय दिख जाती है कहीं भी खड़े हुए, ट्रैक्टर दिख जाते हैं, कुछ काम करते हुए लोग दिख जाते हैं। ठीक रूप से वॉश की तरह ही लग रहा है, जो रशिया में मैंने दिखाया वही ऐसा ही कुछ। अब देखो इनका घर उस तरफ माउंटेन की तरफ है, तो उस तरफ जाएंगे वहाँ थोड़ा मज़ा और ज़्यादा आएगा, बढ़िया लगेगा, उधर अच्छा लगेगा आपको। और अभी हम इस गांव के सेंटर से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, गांव का सेंटर के बाद देखो भाई कच्चे घर पतरे वाले कजाकिस्तान में, और यहाँ पे कुछ महंगे महंगे ट्रक भी कहीं कहीं खड़े दिखाई देते हैं। तो शायद देखो इनके घर जाने की सड़क कच्ची आ गई है, बिल्कुल अपने गांव जैसा ही माहौल लगता है, थोड़ा दीवारें पत्थरों से बनी हुई है। लकड़ी के खम्भे देखो लकड़े से बने हुए हैं, एक गड़े खड़े हुए ट्रैक्टर। ये पुराना ट्रक सोवियत वाला है, बोलते गुलारी ठेला बाड़े में रखे हुए ट्रक, बोट भी है यहाँ पे, तो भाई कार भी है यहाँ पे, अला को लेकर ना इसलिए सब बोट भी रखते हैं, तो उनकी पर्सनल बोट ले जाके बोटिंग करते होंगे, स्पीड बोट। फिर एक घोड़े देखो इधर, फिर एक गाय। गांव से बाहर निकल चुके हैं, कच्ची सड़क से सीधा जा रहे हैं, देखो अभी उसके घर किधर है। ये गाय के छोटे छोटे बछड़े, काफी ज्यादा बछड़े हैं भाई यहाँ पे, गांव पीछे रह गया। अब देखो अब हम इस तरफ जा रहे हैं भीड़ में। ओ भाई रास्ता तो गजब है यार, इनके घर पे जाने का तो रास्ता जबरदस्त जगह पे आ गए भाई हमने तो। देखो किस तरफ रास्ता जा रहा है, देखो एकदम झाड़ियों के बीच में से होता हुआ। इधर देखो कुछ गाय घोड़े हैं, छोटो मस्ती करता है और होशियार, बहुत ज़्यादा होशियार है ये, ओवर स्मार्ट है। कहाँ जा रहे भाई, अब मेरे वापस जाने का कुछ से कोई मेरे पास उपाय नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मैं जा ही नहीं सकता।
ये हिसाब किताब है, यहाँ से एक बस चलती है दिन में एक बार अलमाटी के लिए बस। भाई साहब ने तो गाड़ी जंगल में डाल दिया हमारी गाड़ी तो, वाह वाह अल्लाह रख। गाना गा रहा कांच में देखो भाई उधर। मुझे जो भी इंसान मिलता है ना बड़ा रंगीन और खुश मिजाज आदमी मिलता है यार, आप देखो। आँख में लग गई पहाड़ देखो भाई उस तरफ सामने, पूरे चारों तरफ पहाड़ देखेंगे, ऊपर बर्फ है और ये सामने बहुत सारी झाड़ियों वाला इनका घर है। होम, वाओ मजा आ गया भाई। गांव से बाहर है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं गांव में होता तो पैक हो जाता मुझे। और यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ हैं यार देखो, एंट्री मेरे को नहीं दिख रही, आप मोबाइल में देख लीजिए फोन से। हम अंदर घुस चुके हैं घर के अंदर, यहाँ पे भी कुछ कच्चे घर बने हैं लकड़ों से स्टोरेज के रूप में शायद, काफ़ी एक जूनी पुरानी कार पड़ी हुई है, एक ये घर देखो। और ये आ गया अंदर, एंट्री हो गई भाई देखो, ये तो कोई रिजॉर्ट जैसा लग रहा है भाई। बाइक भी पड़ी है इधर, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ओ छोटे बच्चे भागते हुए आ रहे भाई पीछे आ रहे देखो। पानी वानी इधर तो भाई काम बहुत तेजी में है, पानी आ रहा है देखो, कार पड़ी इधर कोई है एक और भाई साहब, काफी सारे भाई साहब, कमाल की जिंदगी भाई यहाँ तो, कमाल की जिंदगी है। ट्रैक्टर है उधर, घोड़े हैं, पानी है इधर, हमारा आराधक अधारक है, इट्स सो ब्यूटीफुल। घोड़े ट्रैक्टर सुपर, एप्पल भी है इधर तो भाई, मैं तो हैरान परेशान हूँ यार, कितना बड़ा घर बना दिया है। सीधा ही चलते हैं, पहले ये सब देखते हैं, बाद में ही घर पे जाएंगे सीधा सीधा, और घर भी बड़ा बहुत है। कुकड़े बतख पानी मोटर लगी हुई है, पानी कहाँ से आ रहा है भाई? बतख टूबेल है, बतख बतख मोटर ऑटोमेटिक, वाह ऑटोमेटिक पानी आ रहा है ब्रदर, पकड़ो पानी पीते भाई पानी। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन फ्रेश वाटर है, जमीन के अंदर से बाहर आ रहा पानी, वाह। इतने तो लहर लगी हुई पूरा भाई, कुदरत ने इनको सब कुछ दे रखा है। घोड़े 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 का मालिक आया तो घोड़े ही कर रहे देखो, और घोड़े बांधने के लिए पूरा जगह बना रखा है, इतना बहुत बड़ी जगह है ये पूरी, उधर से लेके वहां तक। ये छोटे छोटे बसड़े हैं सब जो इधर अंदर डाल के रखे हुए। हाँ बेबी बिग, वो खेरत 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 अंदर, हाँ वो अंदर खेत में चरने गए हुए हैं, ये बिये खेरत गए, हाँ ये देखो पूरा बूटी कर सवाद तो टू 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 टू।
और उधर झाड़ियों में है बकरियां सब, वो देखो कैसे पेड़ पे चढ़ रही उतर रही है। ट्रैक्टर कुछ खराब हो रखा है, एक ट्रैक्टर का इधर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और उधर सामने पेड़ है वो सेब बगान है। एक मर्सिडीज ओडी कार पड़ी हुई इधर, इधर एक मोटरसाइकिल भी है भाई। देखो धीरे धीरे इनके घर पे पहुंच गए हैं, देखो ऐसे झोला उठा के। पुरानी मशीनरी यहाँ पे काफी सारी पड़ी हुई है। रामात, नमस्ते। सलीम सलीम, ओके। इधर देखो भाई घर बना हुआ है। मामा मामा, ओके। उसके चुचू, हाँ बिग स्मॉल नाइस। लो भाई अपने बैठने के लिए जगह इधर डाल दो, झोला झपट्टा। और यहाँ हमें पिलाया जा रहा है घोड़े का दूध। घोड़ी का दूध नहीं, गलती से। इसका कलर भाई देखो थोड़ा गुलाबी जैसा कलर है और दिखने में थोड़ा अलग दिख रहा है। ये भाई भी पी रहे, तो आते ही सीधा ही इसी के साथ शुरुआत की। अभी एक मिनट हुई है, टेस्ट करते हैं। थोड़ा अलग है यार इसका टेस्ट, थोड़ा गाय के जैसे दूध जैसा नहीं है, पर पतला है और थोड़ा अलग है। लेकिन ये दूध काफ़ी स्ट्रांग होता है, ताकत। पहली बार पिया थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन घोड़ी का दूध पीने का मिलेगा कहाँ आपको। सुपर, ओके ब्रो।